एवरीवन, मैं पंकज कुमार और इस वीडियो में हम देख रहे हैं एम्ब्रियो डेवलपमेंट। एम्ब्रियो डेवलपमेंट ह्यूमन बींग का नहीं भाई, प्लांट का। क्या देख रहे हैं? एक सीड है, सीड से ये सीड बन चुका है, प्लांट निकल रहा है ना। तो फाइनली इस स्ट्रक्चर तक हम लोग कैसे आएंगे, ये सीड कैसे बनाएंगे। अभी तक हम लोग ने क्या क्या पढ़ लिया है? अभी तक हम लोग ने पूरे सेशन में हम लोग ने मेगा स्पोरोजेनेसिस, माइक्रो स्पोरोजेनेसिस, फ्लावर का स्ट्रक्चर एंड देन फर्टिलाइजेशन, पॉलिनेशन, देन फर्टिलाइजेशन। और अब हम लोग देखना है कि ये जो जायगोट बना है, इस जायगोट से आप किस प्रकार से ये सीड बनाओगे। और सीड भी दो प्रकार के हैं हमारे पास। सीड भी कितने प्रकार के हैं? दो प्रकार के। और वो दो प्रकार कौन कौन से है ना, बता दो। एक तो सीड होता है इस तरह से, बताना क्या बनाएंगे ना, उल्टा दिल। अरे आशिक जी, प्यारे बच्चे, उनको उल्टा दिल दिख रहा है? ये चना नहीं दिख रहा तुम लोगों को? क्या दिख रहा है? चना, ठीक है। और ये क्या दिख रहा है? बता दो क्या दिख रहा है? पता नहीं सर, आंख दिख रहा है। ये है मक्के का बीज, ठीक है, ठीक। तो इन दोनों ही स्ट्रक्चर्स में आपने क्या देखा है कि जब आप इसको देखोगे तो यहाँ पे इस चने में दो पार्ट होता है, दो कोटिलेडन होता है, ठीक है। लेकिन मक्के के जो बीज में होता है वो उसमें कोई दो भाग नहीं होता, ठीक। तो ऐसे बीज को हम लोग कहते हैं जो मक्के जैसे बीज होते हैं जिसमें कोई कोटिलेडन नहीं होगा, सही शब्द है उसके लिए कोटिलेडन, या हम लोग कहते थे दलपत्र। तो इसमें एक कोटिलेडन होगा, ठीक है, एक कोटिलेडन। अगर एक कोटिलेडन होगा तो हम लोग कहेंगे उसको मोनोकोट, मोनोकोट। तो दो होगा तो क्या कहेंगे भाई? अगर दो कोटिलेडन होगा तो हम लोग कहेंगे डाइकोट, समझे? दो कोटिलेडन होगा तो हम लोग कहेंगे डाइकोट, और एक कोटिलेडन होगा तो हम लोग कहेंगे मोनोकोट। यहां तक तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब ये किस तरह से ये मोनोकोट बनेगा या डाइकोट बनेगा, ये कैसे बनता है, ये चीज हम लोग देखेंगे जायगोट से। दोनों ही केस में जायगोट कॉमन है। तो आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो डाइकोट के स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, डाइकोट किस तरह से बनता है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, देखें यहाँ पे हमारा क्या बना है, ये हमारा जायगोट है, ठीक। अब जायगोट जो होता है, जायगोट किस तरह से आप देखोगे, सेल बना दिया मैंने ऊपर। यहाँ पे हमारा एंटीपोडल सेल है, ठीक है, एंटीपोडल सेल है। और यहाँ पे हमारा दो सिंगल सेल, मैंने जायगोट को थोड़ा बड़ा बना दिया। और ये यहाँ पे मिडिल में कहीं इसको थोड़ा अच्छे से बना देते हैं, रीअरेंज करके, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ पे हमारा जायगोट है, ये ब्लू वाला जेड फोर जायगोट है ना। और यहाँ पे बीच में हमारा इंडोस्पर्म सेल बना है, ठीक है, ये इंडोस्पर्म। ये हमारा एंडोस्पर्म, ये हमारा एंटीबॉडी सेल, एंटीबॉडी सेल। और ये हमारा एग, हमारा एग, सॉरी जायगोट। जायगोट देखो, अगर आप मेरी वीडियोस को फॉलो कर रहे हो ना तो थैंक यू। और साथ साथ जवाब देना है कि ये वाले सेल्स कौन से, ये दोनों सेल, ठीक है, कमेंट में बताओ यार, हर बार मैं बता देता हूँ। अभी कमेंट में बताओ, लास्ट में बताता हूँ स्पेंसर, ठीक। जायगोट, अब ये जो जायगोट है ना, जायगोट इस तरह से ये डिवाइड करके दो सेल बनाएगा, और एक सेल होगा बड़ा सेल बनाएगा और एक छोटा सेल बनाएगा। डिवाइड करेगा और एक बड़ा सा सेल बनाएगा,
छोटा सा बनाएंगे। देखो मैं आपकी समझ के अनुसार पे इसको थोड़ा पिक्चर को पलट रहा हूँ, ठीक है। इस पिक्चर को क्या कर रहा हूँ, मैं पलट रहा हूँ। आप ऐसा समझना, एंटीबॉडी नीचे की तरफ है और ये नीचे वाला माइक्रोपैली ऊपर की तरफ है, ठीक है। ठीक, ये माइक्रोपैली लीजन, आप अपनी प्रोफाइल, आपको आपके समझ के अनुसार पे, ठीक है, समझ के अनुसार पे, और किताब भी आप पढ़ो तो उसको समझ पाओ, इसलिए इस डायग्राम को आप थोड़ा पलट देना, इसको ऐसे घुमा देना और एंटीबॉडल फिर नीचे आ जाएगा, माइक्रोफाइल को ऊपर रखना, ठीक। चलो यहाँ पे मैं बना के दिखा दे रहा हूँ। अब एंटीबॉडल सेल यहाँ पे चला जल सेट हो गया, एंटीबॉडल सेल, और एंड कौन सा हो जाएगा, चला जल एंड, है ना, ये हमारे एंटीबॉडल सेल, ये हमारा जायगोट, और यहाँ पे हमारा एंडोस्पर्म, ठीक है। यही चीज, अब जो हम लोग रेफरेंस लेंगे ना, ये वाला लेंगे, तो इसको इसी हिसाब से देखते रहना नीचे वाले भी, ठीक। चलो देखो, तो ये जो जायगोट है हमारा, जायगोट डिवाइड करेगा, जायगोट डिवाइड करने के बाद से क्या बना रहा है, जायगोट अभी ये डिवाइड करेगा और एक बड़ा सा सेल बनाएगा और एक छोटा सेल बनाएगा, ठीक है। छोटकू जो सेल है हमारा, वो क्या हो जाएगा, ये हमारा एम्ब्रियो सेल है, एम्ब्रियो, ठीक है। और ये हमारा क्या हो गया, सस्पेंसर। सस्पेंसर सेल क्या करता है, डिवाइड करते जाता है, डिवाइड करते जाते तेजी से, और तेजी से डिवाइड करके 6-7 सेल बना देता है, ठीक है। कितना बना देता है, 6-7 सेल। 6-7 सेल के बाद से लगभग 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 कितना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6-7 सेल बना देता है, ठीक है। और नीचे हमारा क्या रह जाएगा, ये हमारा एम्ब्रियो, ठीक है। अब तो बोलोगे कि एम्ब्रियो ही बड़ा बना दिया आपने, देखो एम्ब्रियो ही बड़ा दिखने लगेगा जब वो सस्पेंसर सेल डिवाइड करके छोटे छोटे सेल बन जाएंगे, ठीक। इसी दौरान ध्यान रखना कि जो एम्ब्रियो का जो सेल है वो भी दो वर्टिकल डिवीजन और एक ट्रांसवर्स डिवीजन करे, एक बार डिवाइड किया तो 2 सेल बना, 4 सेल बना, और फिर इस तरह से ट्रांसवर्स डिवाइड कर लेगा, ठीक है। तो दो वर्टिकल डिवीजन, उसके बाद एक ट्रांसवर्स डिवीजन करके उसने टोटल 8 सेल बनाए, कितने सेल बनाएंगे, 8 सेल। यहाँ पे देख लेना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 है ना, काउंट कर लेना। जो सस्पेंसर सेल का ऊपर वाला जो सेल होता है, सबसे ऊपर की तरफ, है ना, उसको कहते हैं हम लोग हाइपोफेजियल सेल, ठीक है। इसको कहेंगे हम लोग हाइपोफेजियल सेल। अब ये हाइपोफेजियल सेल ही जो होता है वो बताता है, हाइपोफेजियल सेल, हाइपोफेजियल सेल, और ये जो है हमारा सॉरी हाइपोफेजियल सेल जो है जस्ट वो नीचे की तरफ जुड़ा रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ना बना के सस्पेंसर सेल का जो सबसे नीचे वाला एंड पे जो सेल होगा, ठीक है, सस्पेंसर सेल का जो सबसे अटैच जो सेल है यहाँ पे, है ना, यहाँ पे जो एम्ब्रियो से जो अटैच सेल है, ये वाला सेल, इसको कहेंगे हम लोग हाइपोफेजियल सेल, हाइपोफेजियल, ठीक है। और यहाँ पे डिवाइड करने के बाद से जो ऊपर वाला जो सेल है इसका, इम्ब्रियो का, ये कहलाएगा हमारा हाइपोबेस, हाइपोबेसल, हाइपोबेसल सेल। और हाइपोबेसल के बाद से फिर जो नीचे वाला ये जो सेल होगा उसको हम कहेंगे एपी बेसल। ये सब जानना क्यों जरूरी है, क्या ये सारा जानना जरूरी है, बात तो जरूरी है, ठीक है। जब आप हायर क्लास में जाके पढ़ोगे तो आपको समझ में आना चाहिए कि कौन सा सेल आगे चल के शूट का या रूट का सेल बनाने में मदद करेगा। तो जो हाइपोफेजियल सेल है वो रूट का रेडिकल बनाने में, मतलब रेडिकल्स बनाने में मदद करता है, जिससे रूट बनेगा, ठीक है। हाइपोफेजियल सेल जो है सस्पेंसर सेल का, क्या बनाने वाला, रूट बनाने में मदद करने वाला, ठीक। ये बनाने वाला है रूट, और हाइपोबेसल सेल जस्ट रूट और एपिब्लास्ट
ईपी बेसल सेल के बीच का सेल होगा, और ईपी बेसल सेल क्या बनाता है, कॉटिलीडन बनाता है, मतलब यही ईपी बेसल सेल ही जो हुआ, सॉरी तो हम लोग चर्चा कर रहे थे, तो हम लोग चर्चा कर रहे थे कि जो ईपी बेसल सेल है वो ईपी बेसल सेल क्या बना रहा है। ईपी बेसल सेल हमारा टू कोटिलीडन स्ट्रक्चर बनाएगा, ठीक है, दो कोटिलीडन स्ट्रक्चर बनाएगा, टू कोटिलीडन स्ट्रक्चर बनाता है जो तो हम लोग चर्चा कर रहे थे तो हम लोग चर्चा कर रहे थे कि जो ईपी बेसल सेल है वो ईपी बेसल सेल क्या बना रहा है। ईपी बेसल सेल हमारा टू कोटिलीडन स्ट्रक्चर बनाएगा, ठीक है, दो कोटिलीडन स्ट्रक्चर बनाएगा, टू कोटिलीडन स्ट्रक्चर बनाता है जो मतलब ये एपिब्लास्टिक बता, ईपी बेसल सेल ही डिसाइड करता है कि एक कोटिलीडन बनेगा या दो कोटिलीडन बनेगा, ठीक। अगर वो डिवाइड करेगा तो दो कोटिलीडन बनेगा, और नहीं डिवाइड करते तो मोनोकोट बन जाएगा। यही ईपी बेसल सेल से आगे चल के आपको क्या प्लीमियल का ओरिजिन मिलेगा। यहाँ पे रूट का ओरिजिन कौन है, हाइपोफेजिक सेल, ठीक। देखो यहाँ पे हम लोग क्या बता रहे थे कि ये इसके डिवाइड करने से, सस्पेंसर सेल के डिवाइड करने से क्या होता है कि जो इम्ब्रियो होता है वो नीचे की तरफ चला जाता है। नीचे क्या है, ये क्या है, नीचे की तरफ अगर जा रहा है तो ये क्या है, एंडोस्पर्म है ना। तो डिवाइड करने, सस्पेंसर सेल के डिवाइड करने की वजह से एम्ब्रियो से जो होता है वो कहाँ चला जाएगा, एंडो स्पर्म चला जाएगा, ठीक है, एंडोस्पर्म चला जाएगा, ठीक। चलो इतनी बात तो फिनिश हो गई। एक बात आगे और देख लेते हैं एक डायग्राम पे ना। तो ये जो डायग्राम दिखता है आपको, इसमें क्या दिख रहा है, इसमें इसमें आपको ये जायगोट दिख रहा है। इस जायगोट बेसल सेल और टर्मिनल सेल बना है, जिसको मैंने सस्पेंसर सेल और एम्ब्रियो सेल बताया। और फिर ये सस्पेंसर सेल क्या करता है, इसका ऊपर वाला जो सेल है, सस्पेंसर सेल का ऊपर वाला जो सेल कहलाता है वो कहला जाता है हॉस्टोरिया, ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं हॉस्टोरिया। ऑस्टोरिया क्या होता है, एक ऐसा स्ट्रक्चर जो होस्ट सेल के साथ कनेक्शन बनाता है। मतलब कि ऑस्टोरिया क्या करते हैं, आपने ऑस्टोरिया फंगस में भी पढ़ा होगा, जो कि एक्चुअल में एक ऐसे बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि किसी और टिश्यू में जाके इम्बेड कर जाता है, किसी और टिश्यू में एकदम इम्बेडेड कर जाता है, घुस जाता है और वहां से न्यूट्रिशन लेने लगता है, ठीक है। तो उसी तरह से यहाँ कुछ भी ऐसे ही है, ऑस्टोरिया और फिर ये सस्पेंसर सेल, और यहाँ पे आपका क्या है, ये वाला जो सेल है ये हमारा हाइपोफाइसिस है ना, हाइपोफाइसिस जो कि अभी हमने डिस्कस किया। हाइपोफाइसिस के बाद से ये वाला है ना, ये वाला हाइपोफाइसिस, हाइपोफाइसिस है, और फिर यहाँ पे हाइपो बेसल होगा, और नीचे वाला क्या होगा, ईपी बेसल। तो इसी जगह पे दो सेल है, ये वाला जो